उत्तराखंड में 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील के चारों ओर रिंग रोड बनाने की सरकार की योजना है। झील के चारों रिंग रोड बनने से झील से सटे क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पूरी परियोजनाओं को बनाने में 3,400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। टिहरी लोक निर्माण विभाग ने पूरा प्लान जो है वो तैयार कर वित्तीय स्वीकृति के लिए सरकार को भेज दिया है। दरअसल टिहरी झील और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को की गतिविधियां बढ़े इसके लिए सरकार ने ट्राम चलाने की योजना भी बनाई है। इसके साथ ही झील के चारों ओर 30 मीटर चौड़ी रिंग रोड बनाने के साथ साथ पैदल और साइकिल ट्रैक और ग्रीन बेल्ट तैयार करने का निर्णय भी लिया गया है। टिहरी झील के चारों ओर जो रिंग रोड का पहले हमने डबल लेन का प्रस्ताव भेजा था, बट शासन के जो निर्देश दिए हैं उसमें कहना यह था कि उसको 6 मीटर चौड़ाई में मतलब डबल वो बनाया जाए, 6 मीटर जाने के लिए, 6 मीटर आने के लिए और 6 मीटर उसमें बीच में प्लांटेशन का ग्रीन बेल्ट का प्रावधान करना। इसके साथ ही मतलब उसमें ट्राम चलाने का भी उसमें प्रोविजन किया जाना है, साइकिल ट्रैक फुटपाथ ये भी उसमें प्रोविजन करना है। रिंग रोड बनने से हमारे प्रतापनगर में जो है पर्यटक स्थल बनेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा जो भी हमारे मोदी सरकार की बड़ी देन है और इसमें हमारे विधायक प्रतापनगर की भी बहुत बड़ी वो है कि वो लगे हुए उसमें लगातार कि हमारे झील के चारों तरफ रिंग रोड बने जिससे हमारे स्थानीय लोगों को जो है रोजगार मिले और पर्यटन दृष्टि बहुत बड़ी वो है ये हमारी कि हमारे पर्यटन होगा तो हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। हाँ, उससे भी रिंग रोड से फायदा होगा और रास्ता छोटा पड़ेगा और एक दूसरी चीज़ ये कहे कि हमें हमारा डोबरी चांद पुल जो है वो भी बन के तैयार हो गया है जो कि हमारे प्रतापनगर विधायक माननीय विजय सिंह पवार जी की बहुत बड़ी देन है।